Dear students welcome welcome to this fifth video presentation for the coverage of food and human health the first chapter of rbse class 10 science now in this presentation we are going to discuss about intoxicants what are intoxicants what are the harmful effects of intoxicants and two major intoxicants we will be covering in this chapter in this video presentation

और इन्जेस्टिंग इंजेस्टिंग मीन्स आइधर खाने के जैसा या पीने के जैसा जैसे अल्कोहल पीने के हिसाब से लिया जाता है और चूइंग के हिसाब से भी इंजेस्टिंग हम मान सकते हैं सो विच प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द ब्रेन सो ऑल दिज इंटॉक्सिकेंट बेसिकली प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड दैट बेसिकली द इफेक्ट ऑन दी ब्रेन द नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड दिस अफेक्ट बेसिकली ब्रिंग्स अ चेंज इन द मूड सो देर इज चेंज इन द मूड बिकॉज ऑफ़ द इन टिकेंट एंड ऑल्सो सम ऑफ द इनटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस एन इल्यूजन ऑफ प्लेजर इल्यूजन मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट रियल है ना एक इमेजिनेशन एक, uh, जैसा एक इल्यूजन प्रोड्यूस कर देते हैं ऑफ प्लेजर दैट मीन्स गुड फीलिंग राइट एंड द इंडिविजुअल स्लोली गेट एडिक्टेड धीरे धीरे क्या होता है वो पर्सन जो रेगुलरली इन टॉक्सिकेंट्स को लेता है ही बिकम्स एडिक्टेड टू हैबिट फॉर्मिंग होते हैं ये हैबिट फॉर्मिंग मीन्स आदि हो जाता है उसकी लत लग जाती है उसकी आदत हो जाती है एंड स्टार्ट्स यूजिंग दीज इन टॉक्सिकेंट्स इन मोर एंड मोर अमाउंट सो दिस इज बेसिकली नोन एज द

फिर बाद में जैसे जैसे वो रेगुलर यूज करता है उसको उस क्वांटिटी में उस तरीके की फीलिंग प्रोड्यूस नहीं होती इसलिए वो उस क्वांटिटी को क्या करता है बढ़ाते रहता है सो दिस बेसिकली हैपन्स विद मोस्ट ऑफ दी इंटॉक्सिकेंट्स नाउ व्हाट आर दीज इंटॉक्सिकेंट्स विच आर कॉमनली यूज एल्कोहल इज वन सच इंटॉक्सिकेंट टॉक्सिकेंट विच इज वेरी कॉमनली सीन ओ जिसको हम अफीम कहते हैं कोकीन विच इज वंस अगेन प्रोड्यूस फ्रॉम ओ पी एम हैरॉइन इज देयर Which is very very costly, tobacco, tambakuya, zarda, and there are some medications, medicines also, which are also abused for their uh, intoxicant effect. Right? So let us understand more about this. Every intoxicant has harmful side effects. Now, this is why we are very much concerned about the growing use of intoxicants, and because of these harmful effects, the person who becomes addicted to these intoxicant becomes a patient and ultimately he or she dies because of this these side effects which become more and more now one of the intoxicant which is used very widely in india is gutka is gutka now we will discuss more about this intoxicant okay नाउ गुटका इज प्रिपेयर फ्राम बीटल नट बीटल नट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुपारी कटैचू कत्था लाइंग चूना एंड दीज ऑल आर मिक्सड विथ सिंथेटिक सेंट सेंट बिकॉज इट मेक्स दिक्सर मोर अपीलिंग है ना वो एक सुगंध देता है उसको थिन मेटल शीट्स आर यूज एंड टोबैको तम्बाकू या जरदा भी एड किया जाता है जिससे स्टूमुलेशन प्रोड्यूज होता है

right now why it has become so much we are become so much concerned about the usage of gutka because it causes oral submucous fibrosis this is a disease then teeth decay is there and ultimately if it is consumed for a long duration of time then it causes oral cancer and you as you know that cancer ultimately becomes fatal also and it can take even the life of the person now looking into the health concern many state government have banned the sales of gutka and use or consumption of gutka even in rajasthan the state government has initiated a ban on the sale of gutka and the consumption of gutka now let us understand more about this disease which is produced by usage of gutka and some other

जो लोग होते हैं वो गुटखा या पान मसाला नहीं खा के सिर्फ टबैको लीव्स लेते हैं और उसको लाइम के साथ में चूने के साथ में उसको मुंह में रखते हैं दैट इज़ च्यूइंग ऑफ टबैको दैट ऑल्सो काजेस सब ओरल सब सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड इवन स्मोकिंग कॉजे ना वाट आर दी सिम्टम्स सिम्टम्स मतलब उसके क्या लक्षण होते हैं जिससे हमको मालूम चल जाए कि उस पेशेंट को दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाट ना वॉट आर द प्रोग्रेसिव इन एबिलिटी टू ओपन माउथ विच इज़ नोन एज ट्रिसमस तो क्या होता है जो हम जौ को ओपन कर सकते हैं माउथ को ओपन कर सकते हैं आपने देखा होगा एक बड़ा सा सैंडविच भी हम खा सकते हैं अपने जौ को ओपन करके जौ मसल्स को ओपन करके मुंह को खोल के अच्छी तरीके से लेकिन जो लोग गुटखा या तम्बाकू यूज़ करते हैं रेगुलरली दे आर नॉट एबल टू ओपन देअर माउथ प्रॉपरली उनकी जो जॉ की ओपनिंग होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है दिस इज द प्रोग्रेसिव इन एबिलिटी टू ओपन माउथ एंड दिस कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेसमस दिस इज द मेजर सिम्टम ऑफ ओ एस एम एफ द सेकेंड सिम्टम इज ओरल पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ओरल पेन मीन्स ओरल कैविटी दैट मीन्स बक्ल कैविटी माउथ में मुंह में दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन जलन होती है नाव वाई बिकॉज देर इज इफ द पर्सन कंज्यूम्स स्पाइसी फूड स्टफ दैट मीन्स मसालेदार चीज़ें जब वो खाते हैं मसालेदार मतलब जिसमें मसाला ज़्यादा होता है तीखी या खट्टी चीज़ें जिनमें मसाला ज़्यादा होता है मिर्ची ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें जैसे ही वो खाते हैं तो उनके मुंह में बहुत जलन होती है राइट नाउ वाई दिस इज़ there? बिकॉज देर इज़ इन्फ्लेमेशन इन दी माउथ जो माउथ के अंदर की जो म्यूकोजल मैम्ब्रेन है जो म्यूकोजल मैम्ब्रेन है वो सारी इन्फ्लेम्ब हो जाती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज वाई वंस अगेन बिकॉज ऑफ कंजम्पन ऑफ ऑफ गुटका टबैको एक्सेट्रा दीज थिंग्स इन टॉक्सिकेंट्स नाव व्हाट इज़ दी थर्ड सिम्टम इंक्रीज सलाइवेशन दैट मीन्स हाइपर ट्रॉफी और ओवर एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसके वजह से वह बहुत ज़्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा जो भी गुटका खाते हैं पान खाते हैं या टबैको चू करते हैं वो जगह जगह थूकते रहते हैं क्योंकि उनका जो म्यूकस का जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है देन देर इज चेंज इन द टेस्ट सेंसेशन एज दे कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ पान एंड दिज द टेस्ट बर्ड्स ऑल्सो गेट डैमेज एंड देयर फोर देयर सेंसेशन ऑफ टेस्ट जो उनका गस्टैटो रिसेप्टर्स हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं इसीलिए वो सही ढंग से टेस्ट का सेंसेशन नहीं रहता है वो सेंसेशन चेंज हो जाता है एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट देर आर अल्सर्स इन दी माउथ अल्सर्स को नॉर्मली हम हिंदी में कहते हैं छाले हो जाना ठीक है तो वो माउथ के अंदर मुंह के अंदर के साइड में छाले हो जाते हैं और छाले कभी कभी जख्मों में भी चेंज uh, हो जाते हैं एंड दीज आर ऑल वंस अगेन बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ गुटका पान मसाला चूइंग टबैको स्मोकिंग इवन राइट सो दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स विच आर देयर नाउ हियर यू कैन सी देर इज अ पेशेंट There is a patient, okay, and here you can see that there is inflammation, right? Redness in the inner side, okay. Now you can see the teeth are also affected, teeth decay is there, and here you can see, here you can see.

Of OSMF that is oral submucous fibrosis. Now, the first intoxicant was Gutka, and the second intoxicant which we are going to study is tobacco. Now, tobacco once again has been used in India from time immemorial. Okay, so let us understand more about tobacco. Tobacco is obtained from the leaves of the plant. The scientific name of the plant is Nicotina tabacum. You have to remember this name because this comes as. One mark question in boards. So, the scientific name of tobacco plant is Nicotina tabacum. Nicotina tabacum and this belongs to the family Solanaceae. So, the tobacco plant belongs to the family Solanaceae. Now, from where tobacco is produced? Tobacco is produced from tobacco leaves. Tobacco is produced from tobacco leaves. Tobacco leaves contain a chemical which is known as nicotine. The nicotine alkaloid is present in the leaves in the amount 1 to 8 percent so only in this small amount it is very very that means it is a very potent alkaloid which even in this small percentage produces a very strong stimulation nicotine now people use tobacco with pan gutka or lime or even as a tooth powder right सो so, आपने देखा होगा बहुत बार आप जब गांव में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो तंबाकू का एक पेस्ट जैसा बना लेते हैं एक पाउडर जैसा बना लेते हैं और सुबह शाम और उसका मंजन करते हैं दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ इंटॉक्सिकेंट ओके नाउ टबैको इज़ यूज ऑल्सो इन स्मोकिंग स्मोकिंग में भी यूज होता है बी डी सिगरेट सिगार चिलम हुक्का में ओके सो ऑल दीज बेसिकली आर बेस्ड ऑन द टोबैको नाउ हियर यू कैन सी दिस इज दबैको प्लांटेशन ये टबैको की लीव्स है नाओ दीज लीव्स आर यूज ओके नाओ आफ्टर दीज लीव्स बिकम मैचर वैन दीज लीव्स बिकम मैचोर दे आर फुल ग्रोन दे आर पिक्ड अप उनको तोड़ लिया जाता है और उनको सुखा दिया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर दी ड्राइड लीव्स विच आर विच आर रेडी फॉर बेसिकली टोबैको प्रोडक्शन तो क्या होता है इनको शॉर्ट कर दिया जाता है इनकी शॉर्टिंग होती है और इसको फिर इनकी ग्रेडिंग करके इनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट लिया जाता है राइट एंड द टोबैको इज रेडी हियर यू कैन सी दीज आर दी ड्राइड लीव्स ओके नाउ व्हाट आर दी टू यूज ऑफ टोबैको टोबैको यूज करने से क्या नुकसान है वॉट आर दी डेंजर्स एसोसिएटेड विद द कंजम्पन ऑफ टबैको नाउ देर इज इंक्रीज चांसेज ऑफ माउथ टंग एंड थ्रोट कैंसर बाई द रेगुलर यूज ऑफ टबैको राइट ओरल कैंसर हो सकता है थ्रोट कैंसर हो सकता है थ्रोट कैंसर एंड ओरल कैंसर आर वन एन दी सेम थ्रोट कैंसर थोड़ा सा नीचे होता है ओरल कैंसर माउथ के अंदर टंग पे होता है ओके एंड देन इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग स्मोक अगर करते हैं तो उनको लंग कैंसर भी हो सकता है नाउ निकोटीन जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था दैट इट इज़ एसोसिएटेड विथ एंड इट अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम इट अफेक्ट्स आवर ब्रेन इट इज़ एन स्टिमुलेंट इट इज़ एन एल्क्लॉड विच अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम ब्रेन इन एडिशन टू दैट इट दी वॉल्स ऑफ द आर्टरीज वो हमारी आर्टरीज की वॉल्स को भी थिकन करता है वो हमारी आर्टरीज की वॉल्स को क्या कर देता है रिजिड कर देता है और जो उसकी फ्लैक्सिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है एंड व्हेन द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द आर्टरीज गेट रिड्यूस्ड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स आवर हार्ट हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होता है एंड इट कैन इवन लीड टू हार्ट अटैक नाउ टबैको ऑल्सो स्लोज डाउन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्रेगनेंट लेडीज़ इफ देर इज अ लेडीज इफ शी इज़ प्रेगनेंट एंड once again she is addicted to tobacco then the developing baby or the fetus or the embryo also gets affected the growth and the development of embryo gets affected due to the consumption of tobacco it has a it has negative side effects on the development of fetus now when there is smoking when tobacco is used for smoking carbon monoxide is produced in cigarette smoke that reduces the oxygen carrying capacity of the blood by destroying the rbc as you would have studied in the earlier classes that carbon monoxide is very poisonous when it combines with the hemoglobin it forms oxyhemoglobin which is irreversible binding and that hemoglobin or the rbc becomes uh, it becomes unavailable for carrying of oxygen that means carbon monoxide reduces the oxygen carrying capacity of the blood which ultimately leads to leads to less amount of oxygen carrying capacity of the blood and which basically decreases the energy in our body and it can even result in death sometimes okay <clears throat> right so let us come to the next slide and continuing with the harm of tobacco now there is one very important thing which we all have to understand that it is not only the person who is smoking has the harm or uh, the tobacco become basically harms that person only but it harms the other persons also and they are known as the passive smokers the harmful effect of smoking not only harms the smoker but also the people near him or her such people are known as passive smoker so suppose example suppose there is a person who is a smoker and he lives in a family in the family there are parents in the family there is wife and there are children so what happens when he is at home and when he is smoking cigarette bidi any other thing that means the when he exhales that smoke that smoke is ingested or inhaled by other family members who be, who are nearby him or her so what happens that inhaled uh, that inhalation of smoke by the other family members they uh, this smoke all is also injurious to them also now this is known as passive smoking this is known as passive smoking as per the information about 60 lakh people die every year due to tobacco use now 50 lakh of are the active smokers

such smoke is called as second hand smoke or environmental smoke right now this is known as the passive smoking now because of this passive smoking also many of us are also getting affected our health is getting affected and that is why government has enacted a law in which smoking is now banned at public places so be it railway station be it bus stands in in trains or in, in buses or at any public place you cannot smoke because when you will smoke the exhaled smoke will be taken up by other uh, people who are nearby you and this will also affect them their health also and that is why the smoking is now banned at public places by the government thank you very much